नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आई नजर डालते हैं देश दुनिया से जुड़ी टॉप 10 खबरों पर। जम्मू कश्मीर चुनाव नतीजे के बाद फारूक अब्दुल्ला का बड़ा ऐलान, कहा उमर अब्दुल्ला होंगे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री। हरियाणा में भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने की ओर, राज्य में ऐसा करने वाली पहली पार्टी कहलाएगी भाजपा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने किया 9 सदस्यों वाले संविधान सुधार आयोग का गठन, 90 दिनों में सौंपनी होगी रिपोर्ट। आतिशी के दिल्ली सीएम बनते ही आम आदमी पार्टी की बल्ले बल्ले, देश के 5वें राज्य में खुला खाता, केजरीवाल ने दी बधाई। सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए से अधिक राशि जमा कराने पर देना होगा 60% टैक्स, आयकर विभाग ने जारी की गाइडलाइन। कोलकाता महिला चिकित्सक कांड मामले में 6 जूनियर डॉक्टरों का अनशन जारी, कल देश भर के डॉक्टर करेंगे भूख हड़ताल। अमेरिका में सदी का सबसे खतरनाक तूफान आने की आशंका, 5 लाख लोगों को हटाया, 285 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा मिल्टन हरिकेन। लेबनान पर पानी के रास्ते हमला करेगा इसराइल, समुद्र से सटे 60 किलोमीटर के इलाके में ना जाने की चेतावनी, घंटे भर में दागी 120 मिसाइल। हरियाणा में आम आदमी पार्टी पर ही चल गया झाड़ू, दिग्गजों की रैलियां भी नहीं खुलवा सकी खाता। और ट्रेनी सब इंस्पेक्टर के रिश्तेदार तस्करों की गैंग से जुड़े, एसओजी की गिरफ्त में सगे भाई बहन ने किया खुलासा, 24 से ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे हैं। फिलहाल टॉप 10 बुलेटिन में इतना ही, देखते रहे स्वामी न्यूज। Pizza Point, Kangor, for delicious moments.